जय श्री देव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आपकी गुरु भाभी बहुत अच्छी है, लेकिन आज आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हो, वेस्ट पटेल नगर नई दिल्ली के अंदर हम सिद्ध दरबार लगाते हैं, हमारी साधना स्थली, हमारा जो निवास स्थान है वहां पर। अब क्योंकि 2 साल से लगा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है, तो लोगों को एक दूसरे से पता चल रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ आने लगे हैं। अब जहाँ सत्य होगा वहां लोग आएंगे ही, लेकिन ऐसे में यहाँ के जो 2-3 लोकल लोग हैं उनको जो है ऑब्जेक्शन होने लगा है, जिसकी वजह से वो दरबार लगने में समस्या कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग हैं और सबकी व्यवस्था जो है यहाँ हो भी नहीं पा रही है। ऐसे में अब आपका, मेरे जितने भी शिष्य हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं और जो सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं कि निशुल्क सेवा ऐसे ही चलती रहे, उनसे मेरा निवेदन है कि अगर आप वेस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में किसी को जानते हैं, कोई बड़े अधिकारी हैं, कोई MCD वगैरह में आपकी जान पहचान है, या फिर किसी मंदिर के जो आसपास का कोई मंदिर हो, वहां के प्रधान हैं, ट्रस्टी हैं, अगर या कोई उनका हॉल वगैरह हो जहां पर लगभग 300 से 400 लोग आ सके हफ्ते में एक बार, तो अवश्य ही एक नंबर दे रहे हैं, उस पे हमसे संपर्क करें, ताकि हमारी जो ये फ्री सेवा है, जो लोगों के लिए मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये ज्योतिष में क्रांति है। आज तक ज्योतिष को या ज्योतिषी को हमेशा उस दृष्टि से देखा गया है कि हम केवल पैसा लेना चाहते हैं, लोगों की हेल्प नहीं करना चाहते। तो ये क्रांति है जो हम इस दरबार के द्वारा लगा रहे हैं, जहां निशुल्क बिल्कुल कुंडली भी देखते हैं, उपाय भी बताते हैं, करते भी हैं, और उसके साथ साथ आपको कुंडली भी फ्री देते हैं। तो ये क्रांति को सपोर्ट करने के लिए, एक नया चेंज आए इस क्षेत्र में, हम प्रयास कर रहे हैं, बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं, 2 साल से तो निरंतर ये काम कर रहे थे, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। तो नंबर दे रही हूँ स्क्रीन पर, इस पर आप संपर्क करें अगर वेस्ट पटेल नगर में किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो दरबार को सपोर्ट कर सके, जहां सिटिंग बैठ सके, आप अवश्य ही हमको बताइएगा। आज का राशिफल प्रारंभ करते हैं। ये राशिफल शुरू होगा 20 मई से लेकर के 26 मई तक। तो बिना समय वेस्ट करे हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। कहते हैं, गुरुमा आप केवल पुरुषों के लिए राशिफल बता दी है, तो इस गलतफहमी में मत रहिए, ये जो राशिफल है ये स्त्रियों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है। बस आपको अपनी सटीक राशि पता होनी चाहिए, यानी कि आपकी चंद्र राशि क्या है, आपका सन साइन नहीं, आपको मून साइन पता होना चाहिए। अगर जन्म कुंडली बनी हुई है तो उसके अंदर जहां मून साइन लिखा हो, चंद्र राशि लिखा हो, उसको देख लीजिए, फर्स्ट पेज पे ही लिखा होता है, उसके अनुसार ये राशिफल आपको बिल्कुल सटीक बैठेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि गुरुमा यहाँ आपने बताया और 1-2 दिन पहले वो घटना होकर हटी है, या 1-2 दिन बाद वो घटना हो जाती है। तो देखो, ये तो एनर्जीज की रीडिंग है, क्योंकि मैं केवल और केवल ग्रह नहीं देखती, मैं केवल और केवल आपको ज्योतिष की गणना ही नहीं बता रही, साथ में मुझे जो भी आभास है, जो भी इंट्यूशन है, जो भी प्रभु के कृपा से मुझे पता चलता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कुछ लोगों के लिए कई बार एनर्जी आ रही होती है, एहसास हो रहा होता है कि ये इनके आसपास इस समय में घटित होने वाला है या होगा, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो हो सकता है 1-2 दिन आगे, 1-2 दिन पीछे भी आप इसको मेल कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। मेल तो ये आपसे 100% होगा, क्योंकि मुझे अपने प्रभु पे बहुत विश्वास है, क्योंकि जब भी मैं राशिफल बोलने बैठती हूँ उसमें मैं होती ही नहीं हूँ, जो भी बुलवा रहा है वो बुलवा रहा है, और जिसको भी ये वीडियो पहुंचना चाहिए, जिसको भी सुनना भगवान चाहते हैं कि मैसेज पहुंचे, उस तक ही ये वीडियो पहुंचेगा, अन्य लोगों तक ये नहीं पहुंचेगा। तो आप वीडियो को देख रहे हैं तो अवश्य ही आपके साथ ऐसी घटनाएं होने ही वाली है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि भगवान शनिदेव हमारे द्वारा लोगों पर कृपा कराते हैं। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में मुझे दिख रहा है जैसे आप किसी चीज की वेटिंग कर रहे हैं, आप किसी चीज के लिए ना बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, ब्लैंक सी आपकी स्थिति है, कंफ्यूज सी आपकी स्थिति है, आपको बहुत ज्यादा ही ऐसा लग रहा है जैसे एनर्जी अभी आपके अंदर है नहीं, आप अपने आप को लो महसूस कर रहे हैं। इस समय में इंतजार 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 ऐसी फीलिंग आ रही है,
और साथ में मुझे कहीं ट्रैप्ड लग रहे हैं आप, किसी की वजह से आपको ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चाहते हैं, बहुत कुछ प्लान किया है, जानते हैं कैसे करना, लेकिन इस समय इस हफ्ते में आप कुछ कर नहीं पाएंगे। कुछ लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई नोटिस वगैरह आ सकता है या गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी वगैरह की चेंज की वजह से आप कहीं सोच सकते हैं, अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले थे या आपका एग्जिस्टिंग काम है उसमें कुछ आगे आप करने वाले थे, तो कहीं गवर्नमेंट से आपको थोड़ा हर्डल आते हुए इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की बिजली के बिल ज्यादा आ सकते हैं, किसी के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जो होनी नहीं चाहिए, मतलब किसी की एडिटोरियल मिस्टेक हो सकती है, गलती से आपका नाम गलत छप गया, गलती से आपके बारे में कुछ गलत छप गया, तो कुछ ऐसा मिस्टेक होता हुआ गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, या उन्होंने गलत आपको कोई एक नोटिस भेज दिया या बिल भेज दिया, कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस समय में आप अपने आप को थोड़ा ट्रैप्ड महसूस करेंगे और बहुत ज्यादा, जैसे एक तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप बहुत ज्यादा ही स्क्रीन टाइम बढ़ा देंगे, आप बहुत ज्यादा अपने टाइम को या अपने मन को बहलाने के लिए, टाइम को किल करने के लिए बहुत ज्यादा मोबाइल का यूज कर रहे हैं, हर समय स्क्रीन देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो और ज्यादा जो आपका ब्लैंकनेस है वो बढ़ जाएगा, जो दिमाग में फॉगीनेस है, जो एकदम धुंध सी छाई हुई, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उस चीज को तो आपको डेफिनेटली कंट्रोल करना है। अगर मन कहीं नहीं लग रहा तो इस समय और इंतजार की घड़ी बनी हुई है, आपको किसी चीज का वेट है, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ऐसी स्थिति में तो इससे अच्छा है कि भगवान की पूजा कर लो, कोई मंत्र ले लो, कोई संकल्प उठा लो, चाहे हफ्ते भर का, चाहे 11 दिन का, चाहे 21 दिन का, कि अब हम ये करेंगे, तो उससे समय भी बहुत अच्छा हो जाएगा, आने वाला समय भी बेहतरीन हो जाएगा आपके लिए, और फिलहाल का भी जो मन है, जो आपका परेशान हो रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा। अगर पूजा पाठ नहीं कर सकते, मंत्र वगैरह नहीं कर सकते, तो दूसरा काम ये कर सकते हैं, भगवान के मंदिर के सामने बैठ के कान में अपना हेडफोन वगैरह लगा के, ईयरफोन वगैरह लगा के भजन सुनो, भगवान जी को देखते रहो और भजन सुनो, देखो आपको कितना अच्छा लगेगा, एकदम पीस ऑफ माइंड आ जाएगा। तो ये 2-3 काम आप कर सकते हैं। इस समय में जो है शत्रु भी थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं, आसपास के लोग जो है, स्पेशली अगर आप जॉब में है तो आपके वर्क प्लेस के आसपास आप पे नजर रखने के लिए, हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ सीसीटीवी कैमरा लग जाए, या हो सकता है कुछ लोगों की मैनेजमेंट चेंज हो जाए, बॉस चेंज हो जाए, आपके कोई नया एडमिनिस्ट्रेशन का कोई व्यक्ति आपके यहाँ आ जाए, जो आप पे बहुत ज्यादा नजर रखेगा कि आप क्या कर रहे हो, और हर समय टोकना और आपको थोड़ा सा डीमोटिवेट करना, तो इस तरीके की चीजें हो सकती है। देखो राशिफल तो इसीलिए बताती हूँ क्योंकि आपको पता है कि ये होने वाला है, और ये इसमें आपकी गलती नहीं है, ये ऑलरेडी क्योंकि ग्रहों की चाल ऐसी है, थोड़ी एनर्जीज ऐसी आपके आसपास है, तो फिर ये आपकी गलती है ही नहीं, तो उसमें डिप्रेस क्या होना है। इस समय में रात में नींद आने में भी कुछ लोगों को काफी समस्या, थोड़ा सा डिप्रेशन की समस्या भी हो सकती है, तो ऐसे में यही कहेंगे जिसको नींद नहीं आ रही तो रात में ध्यान वगैरह करो, नींद आ जाएगी। इस समय में अपने भविष्य को लेकर के भी आप बहुत ही परेशान और डावाडोल से रह सकते हैं। अगर जर्नी करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, तो काफी सारे लोगों के साथ आपको कहीं जाने का अवसर मिलेगा। कुछ लोगों के लिए कोई ऑफिस की ट्रिप या कोई काम की वजह से कहीं जाना हो सकता है, या किसी रिश्तेदार के साथ आपका जाना हो सकता है, आप अपने काम के लिए नहीं जा रहे, किसी और के काम के लिए जा रहे हैं और ग्रुप में जा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नजर आ रहा है। इस समय में जो है आपके घुटने में थोड़ी प्रॉब्लम और हो सकती है, जिसकी वजह से और थोड़े से निराश आप हो सकते हैं, बहुत ज्यादा भागना कूदना आपसे नहीं हो पाएगा। जितना हो सके इस समय में आप ऑर्गेनिक चीजें, ऐसे फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, अपनी डाइट में शामिल कीजिए, जिससे कि आपको अच्छा लगे। जितना ज्यादा स्पेशली रेड कलर की चीजें आप प्रयोग करेंगे खाने में, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। धन की बात करें तो धन को आप मैनेज कर लेंगे, ऐसा कोई मनी वाइज इस हफ्ते में प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। पैसा आपका आ भी रहा है तो जा भी रहा है, जा भी रहा है तो आ भी रहा है, तो मतलब हर तरह की स्थिति को आप मैनेज कर लोगे, तो धन से संबंध में तो ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। इस समय में बस यही है कि आपने कुछ सोचा हुआ है और उसके लिए आप बहुत होप कर रहे हैं, बहुत होपफुल है, लेकिन वो हो नहीं रहा है, तो उसके लिए थोड़ा मानसिक रूप से आप परेशान हो सकते हैं। कुछ लोग जो है इस समय में नई बुक वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ पढ़ना शुरू कीजिए, कोई नई बुक आप लेकर के आ सकते हैं। और कुछ लोग मुझे डायरी भी अपनी पुरानी पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि आप अपनी पुरानी डायरी को फिर से पढ़ रहे हैं, या फिर अपनी पुरानी फोटोज को देख रहे हैं या एल्बम को देख रहे हैं कि देखो उस समय हम ऐसे थे, तो वहां से भी आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा, प्लीज आप उसको करिए।
इस समय में आपको जैसे कहते हैं ना टूटता हुआ सितारा मिलना, कुछ लोगों की पलक जो है वो पलक के बाल गिरना जिसके ऊपर वो आप हाथ पे रख के विश मांग रहे हैं, ऐसा काफी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए पंख, सफेद पंख दिखाई दे रहा है, कोई सफेद पंख आपको मिलेगा उसको भी आप हथेली पे रख के उससे विश मांग रहे हैं, वो कुछ ऐसी चीजें आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय में सर में थोड़ा पेन रह सकता है और कोई मेजर हेल्थ इश्यू तो नहीं है। पेट में थोड़ा सा हफ्ते के बीच में मरोड़ हो सकती है, थोड़ा पेन हो सकता है क्योंकि स्टमक आपका अपसेट हो जाएगा उसकी वजह से, लेकिन सर का दर्द इस पूरे हफ्ते आपका बना रह सकता है। इस समय में आप जितना बाहर जाएंगे आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अपने आप के साथ समय ना बिताते हुए समय है कि आप दूसरों के साथ बिताएं, चाहे कोई कहीं भी आपको अवसर मिले आप दूसरों के साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे आपके लिए हफ्ता अच्छा जाएगा। इस समय में अपने टाइम को मैनेज कर लीजिए, जैसे अगर अभी कुछ हो नहीं पा रहा है आपका तो आने वाले समय में, क्योंकि फिर बिजी हो जाएंगे तो कर नहीं पाएंगे, तो जो चीजें सोची थी पहले करने की कि टाइम मिले तो ये करें, तो वो आप इस हफ्ते में कर सकते हैं। कुछ लोगों को अपनी फैमिली में प्रेगनेंसी की खबर इस समय में मिल सकती है, वो कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग अपने ननिहाल इस समय में जा सकते हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि भगवान शनिदेव हमारे द्वारा लोगों पर कृपा कराते हैं। वृषभ राशि वालों, चलिए जानते हैं आपका ये हफ्ता कैसा जाएगा। इस हफ्ते में मुझे आप ना थोड़े फ्रीज होते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कुछ ना करने की क्षमता आप में हो जाएगी, मतलब आप कुछ कर नहीं पाएंगे, करना चाहते हैं लेकिन आलस आपको घेरा रहेगा, जड़ से हो जाएंगे, मन नहीं करेगा, आपको ऐसा लगेगा करें ही क्या, कैसे कर सकते हैं, हमारे पास तो ये बहाना है ना करने का, वो बहाना है ना करने का, और बहाने भी ना करें तो ये प्रॉब्लम है जिससे डील करना है, वो भी प्रॉब्लम है जिससे डील करना है। तो इस तरह का स्टार्ट ये हफ्ता आप ले सकता है जहां आप कर नहीं पाएंगे और केवल सोचते ही रह जाएंगे। फाइनेंशियली बात करें, आपकी इनकम की बात करें, तो इस समय आपको कोई ऐसा ज्ञान फाइनेंशियली मिल सकता है या ऐसी कोई बात आपको पता चल सकती है जिसकी वजह से आपका ये हफ्ता जो है आगे के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाए। इसमें आप कुछ ऐसी चीजें जान सकते हैं या कोई नया ऐसा डिसीजन ले सकते हैं या कोई ऐसी नई चीज सीख सकते हैं जिससे आपको मनी मैनेज करना आ जाएगा। अभी तक आपने अगर अपनी जिंदगी कर्जों से चलाई है कि पैसा लिया फिर किसी को दिया फिर पैसा लिया फिर किसी को दिया, तो ऐसे करके अगर आप अपनी लाइफ को चला रहे थे तो उसमें काफी ड्रास्टिक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस चेंज की वजह से आने वाला जो फ्यूचर है उसके अंदर आप मनी को, पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो इस समय तो थोड़ी सी फाइनेंशियल कमी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन वो कमी और स्पेशली क्योंकि आप अपने फैमिली की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे, खासकर बच्चे आपके जो है उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल आप नहीं दे पा रहे जो देना चाहते, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको कचोटेगा मन और एक ऐसा डिसीजन पे आप आएंगे या ऐसा कोई निर्णय आपके पास आएगा या ऐसी कोई बात आपको पता चलेगी, कोई ज्ञान मिलेगा जिससे आपकी लाइफ एकदम शिफ्ट होने वाली है। तो ये बहुत अच्छा उसके लिए समय है कि अगर किसी भी तरीके का कोर्स करना चाहते, कोई ज्ञान प्राप्ति करना चाहते तो ये इसके लिए बहुत अच्छा समय होगा। इस समय में कुछ लोगों को अपने घर से दूर किसी जॉब का ऑफर प्राप्त हो सकता है और आपको वहां जाना भी इस समय में पड़ सकता है और इमीडिएट होगा एकदम कि अचानक से ऑफर आएगा और अचानक से ही आपको जाना पड़ेगा और ये आपके लिए अच्छा और उचित ही होगा। लाइफस्टाइल में भी काफी लोग जो है वो चेंजेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपकी लाइफ जिस प्रकार की पहले चल रही थी अब उस तरीके की नहीं होगी, थोड़ा सा शिफ्ट आपकी लाइफस्टाइल में होगा स्पेशली आपकी हेल्थ को लेकर के। तो हेल्थ जो है अगर आपको उसको इम्प्रूव करना है तो कुछ लोग मुझे फिटनेस की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग मुझे सुबह सुबह वॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप अपने रूटीन में भी कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चेंज तो आपको ये जो हफ्ता है लेकर के जरूर आएगा। इस समय में इमोशंस आपके बहुत अच्छे रहेंगे, अगर रिलेशनशिप की बात करें, आपकी फैमिली लाइफ की बात करें, तो आपको पार्टनर से जरूर सपोर्ट मिलेगा, इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ हैं, उनके साथ ठीक से बात नहीं होती, तो मन भर के इस हफ्ते में आपकी उनसे बातें होंगी। धन की बात करें तो कुछ नया निर्माण के योग बन रहे हैं कि कुछ ना कुछ आप नया निर्माण करेंगे, कुछ बनाएंगे, कोई प्लानिंग करेंगे जैसे फ्यूचर आउटकम आपके मनी का बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग अपनी सेविंग्स भी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी नए काम को स्टार्ट करने के लिए, ऑनलाइन ज्यादा आप कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके साथ भी कोई व्यक्ति है तो दोनों साथ मिलकर कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली वो हेल्प करेगा। इस समय में आप मुझे लिखते हुए बहुत दिखाई दे रहे हैं, तो जो भी आपके आइडियाज हैं आप उसको लिखेंगे या आप हिसाब किताब बहुत जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि
इतना पैसा लग जाएगा, ऐसे करना पड़ेगा, या खर्चों के लिए आप हिसाब लगा रहे, कुछ हिसाब किताब ज्यादा इस समय में आप करेंगे। कुछ लोग जो है वो अपना घर शिफ्ट कर सकते हैं, या अपने घर को अगर रेंट पे देना चाहते हैं, आप अपने घर को सेल आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि मुझे आप चाबी किसी और को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है आपको कहीं जाना पड़े तो अपने किसी खास को या किसी पड़ोसी को या किसी और को, रिश्तेदार को आप चाबी दे करके जाएं, चाबी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर रेंट आउट या सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा समय रहेगा। रात के समय कुछ लोगों को बहुत गर्मी लग सकती है, अचानक से आपको ऐसा लग सकता है जैसे बहुत ज्यादा बॉडी में हीट आ रही है, बहुत ज्यादा हीटिंग महसूस कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। अगर पॉसिबल है तो बाहर अगर आप मून लाइट में, चंद्रमा की रोशनी में अगर आप लेटते हैं या सोते हैं तो उससे आपको बहुत आराम होगा। कमर में कुछ लोगों को दर्द हो सकता है, कमर के साइड में, बैक में कुछ ऐसा पेन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों की जांघों में, थाइस में भी पेन होता दिखाई दे रहा है। इस समय में आप कहीं पे किसी ऐसे स्थान पे जा सकते हैं जहाँ किसी चीज की सेलिब्रेशन हो रही है या कोई पूजा हो रही है, कहीं है जहाँ आप जा रहे हैं और वहाँ किसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए कोई पूजा हो रही है। अगर आप पशु पालन करते हैं तो उसके अंदर अपने पशुओं का थोड़ा ध्यान रखिए, आपके पशु जो है वो कहीं जा सकते हैं, घूम सकते हैं या उनको कुछ हो सकता है, तो उसका विशेष ख्याल रखिएगा। मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं इस हफ्ते में आपके साथ क्या होने वाला है। इस हफ्ते में सबसे पहले बहुत स्ट्रॉन्गली मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप कोई ऐसी बुक पढ़ेंगे जो ह्यूमैनिटी के बारे में है, आपको बहुत सारे धर्मों के साथ जोड़ेगी या उसके बारे में बताएगी, या आप ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में सुन सकते हैं या उनका कोई प्रवचन सुन सकते हैं या उनकी कोई बात सुन सकते हैं जो कि ह्यूमैनिटी के बारे में है, जो मतलब सारे ही धर्मों को एक तरफ जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा विचारधारा आपकी आ सकती है या ऐसे विचारधारा से इस समय में आप जुड़ सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा है। और कुछ लोग तो मुझे किसी का झगड़ा सुलझाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, आपके घर में या आपके दोस्तों में कुछ ऐसा झगड़ा हो रहा है जिसे आप सुलझा रहे हैं क्योंकि आप शांति चाहते हैं, तो वो आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीडिएटर किसी चीज में बन रहे हैं और बार बार फोन करते हुए किसी ना किसी को, ताकि झगड़ा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए, ऐसा दिख रहा है। इस समय में जो है आप अगर मिथुन राशि की लेडीज हैं तो आपका छोटा अगर बच्चा है तो वो बीमार पड़ सकता है, उसे बुखार आ सकता है, तो थोड़ा ख्याल उसका रखेंगे। और थोड़ा सा मुझे लगता है जैसे दाल का पानी वगैरह दिखाई दे रहा है, दाल का पानी वगैरह आपको ज्यादा उसको देना पड़ेगा, हो सकता है किसी को लूज मोशंस वगैरह की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाए। इस समय में बीमारी के लिए कुछ लोग जो है जिनकी लॉन्ग टर्म बीमारी ऑलरेडी चल रही है उसके लिए आप दूसरे शहर जा सकते हैं अपनी बीमारी के इलाज के लिए, या फैमिली में किसी को लेकर के जा सकते हैं, लेकिन बीमारी के लिए ट्रैवल करते हुए इस समय मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जो हैं उनकी फिटनेस इस समय बहुत अच्छी हो जाएगी, आप हो सकता है किसी तरह का कोई एरोबिक्स ट्राई करें या रस्सी कूदना ट्राई करें, या अगर छोटे बच्चे हैं आपके घर में मिथुन राशि के, बहुत चंचल हो जाएंगे, एक जगह बैठेंगे नहीं, कभी यहाँ कूद रहे हैं कभी वहां कूद रहे हैं, तो इस तरीके से कुछ तो मुझे पेड़ पे भी चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनके लिए पॉसिबल है, तो ऐसे बंदर की तरह जो एनर्जी है ना वो आ सकती है। और जो बड़े हैं मिथुन राशि वाले फिटनेस की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा फोकस करते दिखाई दे रहे हैं, और कुछ है जो आप स्पेशल कर रहे हैं, चाहे आप रस्सी कूदने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप एरोबिक्स में कुछ ट्राई कर रहे हैं, या कोई योगा नया कर रहे हैं, या कोई नई एक्सरसाइज सीख रहे हैं, या कुछ लोग जो वो जुम्बा वगैरह डांस होता है वो सीख रहे हैं, कुछ आप करते हुए मुझे इस समय में दिखाई दे रहे हैं। इस समय में आप अगर किसी भी तरीके से फैशन इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, आपका कोई ऐसा यूट्यूब या इंस्टाग्राम वगैरह का कोई पेज है तो वहां पे कुछ अच्छी फोटोग्राफ्स आप पोस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और स्पेशली लेडीज जो हैं वो कुछ ऐसा ड्रेस पहनेंगी, इतना फ्लोई होगा, लॉन्ग होगा, गाउन हो सकता है, या कोई साड़ी वगैरह भी है ना, तो लेकिन बहुत ज्यादा फ्लेयर वाला दिखाई दे रहा है, तो उसमें ना आप इतने अच्छे लगेंगे कि बिल्कुल अनरियल लगेंगे, मतलब आपकी ब्यूटी बहुत ही ज्यादा उसमें अच्छी लगेगी और इतनी अनरियल लगेगी, तो लोग ऐसा सोच सकते हैं कि आप सच में हैं या कोई अप्सरा हैं, तो ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है।
इस समय में जो है आपका बोला हुआ सच हो जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सोच समझ के ही बोलिएगा। अगर हम आपकी फैमिली लाइफ की बात करें या आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो मन जो है वो प्रसन्न रहेगा, आपके जो भी पार्टनर है वो अपनी तरफ से एफर्ट करेंगे आपको खुश रखने का, आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है या अगर वो आपके लिए शेरो शायरी लिखते हैं या कहीं से पढ़ के वो आपको कुछ भेज सकते हैं, मतलब थोड़ा सा उनकी तरफ से एफर्ट हो रहा है आपको खुश करने का। बेबी शायद आप नाराज हैं या आपस में एक दूसरे से बातचीत बंद हो गई है या आपका मुंह फूल गया किसी बात पे, तो आपको मनाते हुए कोई एफर्ट डालते हुए रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए दिखाई दे रहे हैं। जिनकी खेती बाड़ी है वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पता नहीं क्यों जैसे कुछ जलने का सा वहां दिखाई दे रहा है या कोई फसल नष्ट हो सकती है, तो वहां थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है। इस समय में कुछ लोग अपने घर में कोई स्पेशल या तो उनको फ्रूट बास्केट वगैरह मिल सकती है या फ्रूट बास्केट लाते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी पर्पस से या किसी को गिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ लोगों के लिए स्पेशली दिखाई दे रहा है। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो आपके पार्टनर से आपको थोड़ी सी अनबन हो सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे ट्रांसपेरेंसी नहीं है बिजनेस में। आप दोनों को जितना एक दूसरे के प्रति वफादार होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, तो वो नहीं है। और ये भी लग सकता है कि आपकी तरफ से ज्यादा मेहनत की जा रही है, वो इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि वो ज्यादा मेहनत करे, तो थोड़ा सा अनबन पार्टनरशिप में इस समय में ऐसी होती दिखाई दे रही है। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स के अंदर तो बहुत एनर्जी रहेगी, अब वो एनर्जी पढ़ाई में लगाए कि नहीं लगाए वो उनके ऊपर है, लग नहीं रहा है वैसे मुझे तो, आप घूमते फिरते ज्यादा दिखाई दे रहे हो या छोटे बच्चे तो मैंने आपको बताई दिया, बहुत ज्यादा उछलते कूदते मुझे दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ की बात करें तो मेजरली तो ठीक है, लेकिन कभी कभार हफ्ते में आपके घुटने से नीचे तक के पैर में थोड़ी सी दर्द हो सकती है, वरना वैसे आपको हेल्थ इश्यू ऐसा मेजर कुछ नहीं दिख रहा है। अगर आपका कलर डार्क है आपकी स्किन का या पीछे बीते कुछ दिनों से किसी वजह से, चाहे टैनिंग की वजह से या किसी भी वजह से वो डार्क हो गया है, तो इस समय आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप या तो कुछ कर रहे हैं या खुद भी कुछ लोगों का हो सकता है, शायद पानी चेंज होने की वजह से या आपका घर में ज्यादा रहने की वजह से या किसी ऐसी जगह पे रहने की वजह से जहां पर थोड़ा क्लाइमेट चेंज है, या फिर आप कुछ उसके लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन में कलर में थोड़ा चेंज आता हुआ मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। इस समय में जो है आपका मन पूजा पाठ में बना रहेगा, आपको हो सकता है कोई नया व्रत भी स्टार्ट कर दे। फ्रेंड्स से भी आप रूठते हुए दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं इस हफ्ते में इतना रूठ क्यों रहे हो, थोड़ा सा सहज रहो, दुनिया ऐसी ही है, सब अपने मतलब के होते हैं, सब सेल्फिश हैं, लेकिन आप सबसे रूठ के कट ऑफ करके बैठ जाओगे तो कैसे चलेगा। तो थोड़ा सा मुझे लगता है आपको इस हफ्ते में इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, अपने बारे में सोचने की जरूरत है एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, और सबके साथ कट ऑफ मत करो, सबके साथ बना के रखो, थोड़ा सा क्षमाशील बैठो। कर्क राशि वालों चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले तो मुझे आप बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो, बहुत मन कर रहा है आपका घूमने फिरने पार्टी का, बहुत ज्यादा आपका मन कर रहा है इस समय एंजॉयमेंट का। कुछ लोग तो जो है अपना बहुत ज्यादा वीडियो बनाना, बहुत ज्यादा रील्स बनाना, सेल्फी खींचना और इंजॉय करना लाइफ को, ऐसा दिखाई दे रहा है। किसी स्पेसिफिक लड़की के लिए ये मैसेज है, अगर आपने कोई ऐसी फोटोग्राफ्स जो है आप किसी गलत इंसान को देते हैं तो वो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकता है, या अगर आप अपने घर में भी हैं या अकेले भी रहते हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। कोई व्यक्ति आपके आसपास दिख रहा है जो छुप के आपकी फोटो लेने की कोशिश कर रहा है और वो गलत उद्देश्य से कर रहा है, तो वहां थोड़ा केयरफुल रहेंगे। कुछ लोग स्टॉक कर सकते हैं आपके स्टेटस को, आपके सोशल मीडिया को, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ऐसे मैसेजेस, स्पेशली लड़कियों के लिए, वहां थोड़ा ख्याल रखेंगे। कर्क राशि के जो लड़के हैं उनका मन भी बड़ा मचलेगा इस समय, आपको हो सकता है किसी पे कोई नया क्रश हो जाए, आपको कोई बहुत अच्छा लगने लगे, आपको किसी से प्यार भी हो जाए, हो सकता है आप अपनी पूरी लाइफ उसके साथ इमेजिन कर लें। तो काफी लोग अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो कुछ थोड़ा सा ये हफ्ता जो है आपको पर्सनल लाइफ की तरफ डाइवर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन फाइनेंशियली भी कोई बुरा नहीं है, फाइनेंशियली आप अच्छा करते रहोगे, करियर वाइज भी स्टेबल है, अच्छा है, पैसा कमाते रहोगे, लेकिन मोस्टली जो दिख रहा है आपके मन में जो भाव रहेंगे ना इस समय लव को लेकर के बहुत सारे भाव आपके मन में आ सकते हैं। पैसे की बात करें, अगर जो लोग बिजनेस अपना करते हैं तो वो बहुत फ्लरिश कर सकता है इस समय में, पैसे से कैसे पैसा कमाना है ये आपको कला इस समय में आ सकती है। अचानक से बहुत सारे लोग जो है वो आएंगे आपकी तरफ और आपको पैसा दे करके जाएंगे,
खर्चे भी उस अनुपात में रहेंगे, लेकिन फिर भी आप सेविंग्स इस समय में कर पाएंगे। इमोशंस आपके इस समय में बहुत हाई रहेंगे। कुछ लोग जो है गृहस्थी में प्रवेश करना चाहते हैं, कुछ लोग मुझे किसी को प्रपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फैमिली लाइफ में एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या अपने फैमिली से काफी समय से बिछड़े हुए थे, अब वापस उनसे एक हो रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, तो बड़ा इमोशनल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फैमिली को लेकर के बहुत अच्छा आपका समय रहेगा। इस समय में आपका माइंड जो है, आपको क्या चाहिए, क्या करना है, कितना करना है, बहुत क्लियर रहेगा, तो वो क्लियरिटी आपके अंदर बनी रहेगी। इस समय में अगर बात करें तो आप बहुत इंजॉय करने वाले हो। कुछ लोग ड्रिंक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग जो है पार्टीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ है मतलब सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आप लाइफ को जी रहे हैं। क्योंकि आप बहुत समय बाद एक ऐसा समय ये होगा जहां आपको लगेगा कि चलो हमने सफिशियंट कर लिया, अब अपने लिए भी हमें समय निकालना चाहिए। कुछ लोग कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं। अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था और बिल्कुल एंड की तरफ है, तो वो आपके फेवर में हो सकता है। काफी लोग जो है कुछ नया स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे नहीं फैमिली आप स्टार्ट करें, चाहे पैसों के संबंध में कोई नया बिजनेस हो या कोई नया जॉब हो, इस हफ्ते में कुछ नया तो आप जरूर स्टार्ट करेंगे। काफी लोग अपना स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो आप बहुत स्मॉल स्केल से जरूर स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको वो सेटिस्फेक्शन और खुशी होगी कि हमें किसी और के लिए नहीं करना है, जो करना है अपने लिए करना है, तो वो एक अच्छा चीज दिखाई दे रहा है। रात के समय में जो है मन आपका बहुत ही प्रफुल्लित रहेगा। हो सकता है आप फोन पे लंबे घंटों घंटों किसी से बात कर रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप चांद को देख रहे हैं, उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ही लव की फीलिंग्स जो है वो रात के समय में आपके सर चढ़कर बोलेगी। धन के संबंध में अच्छा है, अगर आप हेड ऑफ द फैमिली है तो आपके फैमिली में कोई एक व्यक्ति और है जो कमाना स्टार्ट कर सकता है, और वो भी आपको इनकम ला करके देगा, तो आपको बहुत प्रसन्नता होगी। इस समय में टाइम थोड़ा मैनेज करना आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आप वैसे तो मतलब सफिशिएंट है, मतलब आप बुद्धिमानी से समय को मेंटेन करेंगे, लेकिन फिर भी आपको बैठे बैठे ऐसा लग सकता है कि अरे इतना समय हो गया, या हफ्ता पूरा निकल गया पता ही नहीं चला, तो ऐसे एस्टोनिशमेंट आपको हो सकती है। कहीं जाकर के आपको कोई ऐसी बात भी इस हफ्ते में पता चल सकती है जो कि आपको पता नहीं थी, आपने सोचा नहीं था उस विषय में, और आपको वो पता चलती है तो उससे आप काफी शॉक हो जाते हैं। ऐसी कोई बात इस हफ्ते में आपको पता चल सकती है, जहां आप कहीं जा रहे हैं वहां जाके उस माहौल को देख करके आपको पता चल रहा है। इस समय में आप सेल्फ लव भी बहुत कर सकते हैं, आपको खुद पे बहुत प्यार आ सकता है, खुद पे आप अपने आपको शाबाशी दे सकते हैं कि बहुत अच्छा हमने किया है, तो एक सैटिस्फाइड जो हफ्ता है वो आपके लिए दिख रहा है, उसका भरपूर प्रयोग कीजिए ताकि आप अपने लाइफ में और बेटर कर सके। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा जाएगा। इस हफ्ते में ना कुछ विशेष कुछ लेडीज के लिए दिखाई दे रहा है, तो अगर आप मेल हैं तो लेडीज इस समय में आपके पूरे हफ्ते को संचालित करने वाली होंगी, यानी पूरा हफ्ता उन्हीं के इर्द गिर्द आपका घूम सकता है। और अगर आप ऑलरेडी लेडीज हैं तो भी बहुत सारी लेडीज जो है इस हफ्ते में आपको प्रभावित करेंगी, तो मेन एक एनर्जी तो ये दिखाई दे रही है। अब इसके आगे चले तो थोड़ा सा थकान मुझे दिखाई दे रही है, जैसे आप थके हुए हैं, इस समय में काफी मेच्योर हो जाएंगे आप, काफी आपको ऐसा लगेगा जैसे अपनी उम्र से बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गई है, और आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी जैसे आपको कॉर्नर किया जाएगा। स्पेशली मुझे दो लेडीज ऐसी दिखाई दे रही है जो बहुत ज्यादा आपको ताने मार रही है, बहुत ज्यादा आपको परेशान और टॉर्चर सा कर रही है मेंटली, और आप क्योंकि ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहते हैं, लेकिन उनके टॉर्चर से वो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस समय में जो है वो बार बार आपको ऐसे विचार आ सकते हैं जो बहुत नेगेटिव है, या आपको जब आप सो रहे हैं सोते समय आपको ऐसे एहसास हो सकता है जैसे आसपास में कोई है, जैसे आपके कान से कोई हवा होकर के गुजरी है। अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी इस समय में हो सकती है, तो अपने लिए कोई प्रोटेक्शन करके रखिए, अपने जो भी गुरुदेव का फोटो है या तो उसे लेकर के पास में सोए, नहीं तो आप कोई काला धागा वगैरह सिद्ध करा के जरूर धारण करें, तो ऐसी कोई नौबत आपके लिए ना आए। इस समय में जो है खर्चा बहुत ज्यादा आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप उस खर्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सेविंग्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। इस समय में अगर आपको मैं बात करूं आपके जॉब लाइफ में, तो जॉब लाइफ में कोई व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, तो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है आप प्लीज किसी कोलीग पे मत छोड़िए, उसे खुद चेक कीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, नाम आपका लगेगा लेकिन करेगा कोई और, तो वहां थोड़ा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है।
बिजनेस की बात करें तो बिजनेस अच्छा है, बिजनेस के लिए कुछ लोगों को ट्रैवल भी करना पड़ सकता है इस समय में, कुछ लोग ओवरसीज ट्रैवल भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो चीज आपके लिए अच्छी है। वहां से आपको उम्मीद है कि पैसा मिलेगा और आने वाले समय में वो जो जिस भी डील के लिए आप जा रहे हैं, जिस भी काम के लिए जा रहे हैं, वो फ्रूटफुल होगा। इस हफ्ते में नहीं होगा लेकिन आने वाले समय में वो फ्रूटफुल जरूर होगा। इस समय में आप इस हफ्ते में थोड़ा सा आक्रोश आप में भरा रहेगा, कोई भी व्यक्ति आपको कुछ कहने की कोशिश करेगा आप उसको सहजता से नहीं ले पाएंगे, मजाक तो बिल्कुल भी नहीं सह पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति आपसे मजाक भी इस समय में करने की कोशिश करेगा आपको बहुत इरिटेशन होगी। आपको क्योंकि एक तरीके से ना सर्वाइवर मोड में आ गए हैं कि हमें करना है, हमें करके दिखाना है, जैसे दुनिया पूरी आपको ऐसा लगता है मुझसे लड़ने को तैयार है और हमें उसमें सर्वाइव करना है, तो वो जो मोड में आप आ गए हो तो इस समय ना तो आपको हंसी आएगी, ना खुशी आएगी, ना किसी का हंसी मजाक अच्छा लगेगा, आप काफी सीरियस हो जाओगे। तो वो कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है लाइट हार्टेडली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। इस समय में कुछ आपको चमकता हुआ पत्थर या फिर कुछ पैसा रस्ते पे पड़ा मिल सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दे करके चलेंगे तो आपको अच्छा है। अगर किसी भी प्रकार से आपका कोई रेस्टोरेंट है, खाने पीने का काम है, कहीं पर भी आपका केटरिंग का काम है या आप खाने का जो सामान है उसकी सप्लाई का काम है, तो उसमें काफी लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें आप कुछ नई डिश अपने मेन्यू में डाल सकते हैं, कोई नई चीज आप लेकर के आ सकते हैं जो कि काफी लोगों को पसंद आएगी, तो कुछ नया बनाते हुए, और अगर शेफ वगैरह है तो कोई नई रेसिपी बताते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, तो वो कुछ नया एक्सपेरिमेंट खाने के साथ हो रहा है। प्रेम की बात करें तो इस समय में जो है ना आप के पार्टनर और आपको दोनों को ही अपनी अपनी फैमिली खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका प्रेम बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बिल्कुल भी डगमगाएंगे नहीं, हिलेंगे नहीं। कुछ लोग अपने घर में प्रेम का इजहार भी कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, कन्फेस कर सकते हैं कि हम इस व्यक्ति को पसंद कर सकते करते हैं और इनके साथ लाइफ टाइम रहना है, लेकिन दोनों की फैमिलीज एक दूसरे को ना अलग करती हुई दिखाई दे रही है, दोनों को खींचती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आप अलग हो नहीं रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका प्रेम जरूर सक्सेसफुल हो, हम तो ऐसा ही चाहेंगे। कुछ लोगों को जो है वो पेट में, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए कुछ अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत पड़ सकती है। पेट में आपको या तो कुछ आपका ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है उसके लिए आप करा रहे हैं, या कुछ लोग जो है कोई नई प्रॉब्लम उनके पेट में आई है उसके लिए करा रहे हैं, डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड के लिए कह सकते हैं और आप करवा भी इस समय में सकते हैं। इस समय में आपका कोई फ्रेंड आपसे कुछ मांग सकता है और आप बिना झिझक उनको दे देंगे, आप किसी को कोई अपनी प्रिय वस्तु देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप मेहनत कीजिए, जो भी सोचा हुआ है इस हफ्ते में वो जरूर पूरा हो जाएगा, लास्ट लास्ट में होगा लेकिन हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में हो जाएगा। लेकिन आप अपने सपने मत छोड़िए, आप बिलीव करना मत छोड़िए, आप अपनी इच्छाओं को बड़ा ही रखिए, किसी के कहने से उसको छोटा मत करिए, क्योंकि आपके बड़े सपने एक दिन जरूर पूरे होंगे। कन्या राशि वालों चलिए जानते हैं इस हफ्ते में आपके साथ क्या होने वाला है। इस हफ्ते में अगर प्रेम की बात करें तो प्रेम को लेकर के आप काफी परेशान हो सकते हैं, आप काफी रो सकते हैं, आपको धोखा मिल सकता है, आपको ऐसा लग सकता है जैसे जो आप चाहते थे वो इस रिलेशनशिप से आपको नहीं मिला है, तो वो थोड़ा कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। आगे बात करें तो स्पेसिफिक लोग के लिए मैसेज है, जैसे आपको अपने छोटी सिस्टर को या कजिन सिस्टर को इस हफ्ते में ड्राइविंग सिखा सकते हैं या स्कूटर वगैरह या स्कूटी वगैरह चलाना सिखा सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे दिख रहा है। इस समय में जो है आप काफी हेल्पफुल होंगे अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और उनके लिए काफी सोचेंगे भी। इस समय में ये जो टाइम है एक टीम वर्क का टाइम है, तो अगर आपका किसी भी प्रकार से टीम है, आप कुछ मिलकर के कुछ करते हैं या मार्केटिंग वगैरह में है, तो इस समय में आपकी पूरी टीम आपके अंडर बहुत अच्छा करेगी, या आप टीम के पार्ट भी हैं तो आपकी वजह से आपकी टीम को काफी रिकॉग्निशन मिलेगा, कुछ अच्छा आप इस समय में कर सकते हैं, तो वो स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है। इस समय में कुछ लोगों के लिए दिख रहा है जैसे आपको सड़क पे कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसको लग गई है, या कोई ऐसा कोई डॉग वगैरह है, या कोई व्यक्ति है, मतलब कुछ है जैसे एक्सीडेंटल कुछ केस होता है, आप वहां भी हेल्प कर रहे हैं। अगर एनजीओ वगैरह से कनेक्टेड है तो वहां काफी लोग, मतलब अच्छा आपको हेल्प करने का लोगों का मौका मिलेगा,
उसमें आप लोगों के लिए फरिश्ते बन के आ रहे हैं। कुछ लोग तो किसी की लाइफ भी कोई व्यक्ति है जो सेव कर रहे हैं, या आपके टाइमली एक्शन लेने से किसी की जिंदगी बच रही है। इस समय में जो है आपको सपने जो है वो सपने आ सकते हैं, थोड़े से सेक्सुअल सपने ज्यादा हो सकते हैं, और सपनों के अंदर थोड़ी सी परछाइयां देखना और थोड़ा सेक्सुअल एक्टिविटी देखना, ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि भगवान शनिदेव हमारे द्वारा लोगों पर कृपा कराते हैं। ऐसे ही दरबार में कितने सारे लोगों को लाभ हुआ है, एक और भक्त ने अपनी स्टोरी शेयर की है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ललिता है, मैं गुरु माँ के शरण में आती हूँ। गुरु माँ बहुत दयालु है, दया करती है, शनिदेव की कृपा है। और मेरे पति मुझे मारते थे, थोड़ा ज्यादा गलत करते थे। जब से गुरु माँ के शरण में आई हूँ बहुत फायदा हुआ है मुझे, पति भी शांत हो गए हैं। और जो भी दुखियारी दुखी है वो गुरु माँ के शरण में आए, आकर गुरु माँ के शरण लें, दया लें, और गुरु माँ के ऊपर गुरु माँ कृपा करेंगे, लिए जाते हैं। यहाँ कोई पैसे नहीं लगते हैं, कुछ रतन वतन देती हैं गुरु माँ, जो रतन पहने और शनि को शांत करें, ग्रहों को शांत कर किया जाता है, और पैसे वैसे कुछ नहीं लगता है, बहुत अच्छा है यहाँ। इस समय में जो है काफी सारे लोग जो है वो आपको छोड़ करके कहीं जा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा आपकी फैमिली में या तो कोई फंक्शन हो रहा है या कुछ है, आपकी फैमिली वाले कहीं जा रहे हैं या आपको उनसे कहीं दूर जाना पड़ रहा है, कुछ मूवमेंट है आपके और आपकी फैमिली के बीच में, और आप उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हैरानगी की बात यह कि आप नहीं चाहते कि आपकी फैमिली का कोई मेंबर कहीं जाए, या आप नहीं चाहते कहीं जाना और आपको जबरदस्ती जाना पड़ रहा है, तो आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको जाना पड़ रहा है, ऐसा दिख रहा है। इस समय में जो है थोड़ा सा चोरी से सावधान रहेंगे, कोई आपके घर में या तो ऐसा है कि कोई सी चीज की चोरी हो जाए या लापरवाही हो जाए जिसकी वजह से आपका कुछ सोना जो है वो गुम सकता है, खो सकता है या चोरी हो सकता है, तो कोशिश करिए जितने भी गोल्ड की चीजें हैं उसको आप संभाल के रखें। धन की दृष्टि से बात करें तो ये समय धन की दृष्टि से अच्छा है, आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है जो बिल्कुल बेकार थी, मतलब अगर दुनिया उसे कहे कि बिल्कुल ही बेकार शेयर थे, इसमें आपने पैसा लगा दिया, बिल्कुल किसी काम का नहीं था, तो आप देखेंगे अचानक से उसमें से बढ़ोतरी होने लगी, आपको पैसे आने लगी, आपके पैसे बढ़ने लगी, सेविंग होने लगी, एक अलग सा ही इस चीज में योग बन रहा है। इस समय में रिलेशनशिप में मैंने जैसे आपको बताया थोड़ा दूरी आती दिखाई दे रही, हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपको धोखा मिल जाए, आपको बहुत समय से धोखा मिल रहा था लेकिन पता आपको अब चल जाए, आपके पार्टनर आपको छोड़ के कहीं चले जाए, तो ये एक अच्छा समय रिलेशनशिप के लिए नहीं है। इस समय में कुछ लोग जो है वो प्लांटिंग कर सकते हैं, अगर आप फार्मर है, कोई नई चीज आप अभी बोना चाहते हैं तो वो समय हो सकता है, या आप अपने घर में भी हैं तो आपका मन करेगा कोई नए प्लांट्स लगाना या उनका टेक केयर करना, या आप बाहर भी एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसा करते दिखाई दे रहे हैं। बच्चों की बात करें तो घर के बच्चे इस समय आपके मोटिवेशन का जरिया बन सकते हैं, हो सकता है उनको देख करके आपको लगे कि नहीं हमें तो अपनी लाइफ में करना ही है, हमें इनको अच्छी अपब्रिंगिंग देनी है, हमारी लाइफ में जितना भी चाहे कुछ भी रह गया, लेकिन इनको मतलब उनको देख के इस हफ्ते में आपको मोटिवेशन मिलेगा, तो वो कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। इस समय में आप भगवान जी पर जाकर के कुछ स्पेशल फूल चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे, कुछ लोग ऑरेंज कलर के या कुछ ऑरेंजिश येलो कलर के कुछ फूल वगैरह चढ़ाते हुए आप मुझे स्पेशली दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपकी अच्छी बनी रहेगी, मेजर कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा कंधे में थोड़ा सा आपको सोने की वजह से, आप गलत पोजीशन में सो रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेन आ सकता है, आपको भारीपन लग सकता है या लग सकता है नस खिंच गई है, अन्यथा इस वीक में हेल्थ में कोई मेजर नया इशू नहीं है। तुला राशि वालों चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में ना पता नहीं आप क्या कर रहे हो, आप सबकी चर्चा का विषय बने हुए हो, लोग आपके बारे में बहुत गॉसिप कर रहे हैं, चाय पे आपकी बातें चल रही हैं, आपके ऊपर चर्चाएं हो रही हैं, गुट बना बना के आपकी बातें कर रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा आपने उनको इंटरेस्टिंग दिया है जो इस हफ्ते में वो आपकी बहुत चर्चाएं कर रहे हैं, तो इस समय तो चर्चा का विषय बने रहेंगे, गॉसिप भी आपके बारे में हो सकती है। आप देखो चार लोगों के बीच में आपकी बात उछलेगी तो गॉसिप भी होता है, र्यूमर भी होता है कि आपके बारे में गलत गलत अफवाहें लोग फैलाने लगे, तो अगर कोई मीडियम है आपका, कोई आपको अपनी बात रखने का कोई आपको स्थान है, कोई आपके पास प्लेटफॉर्म है, तो अपनी बात को प्लीज क्लियरली कन्वे कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उसे गलत मीनिंग देकर के चार लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि इस समय आप काफी पॉपुलर होते हुए लोगों के बीच में आपकी चर्चा होते हुए दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले एडवाइस तो ये है,
आगे बढ़े हैं आपके काम को लेकर के, तो आप अपना काम बड़े आराम से कर रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है जैसे नॉर्मल रूटीन है आपका, लेकिन अचानक से आपको कोई खबर आपके काम से रिलेटेड आ सकती है। अब ये अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, तो आपकी पर्सनल कुंडली पे डिपेंड करेगा, लेकिन कोई अचानक से आपको जैसे कहते हैं ना धप्पा कर देना, तो ऐसी कोई अचानक से न्यूज आपके लिए आ सकती है। मोस्टली तो मुझे वो फाइनेंशियली दिख रही है और बुरी नहीं दिख रही है, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। इस समय जो है आप बहुत ज्यादा ही लोगों को चमकते हुए दिखाई देंगे, चाहे आप कुछ करें या ना करें। कुछ लोग घर में कोई नई चीज लाते दिखाई दे रहे हैं, कोई फ्रिज लाता हुआ दिखाई दे रहा है, और कुछ गाड़ी लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई वाहन लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसकी वजह से एक तो बहुत चमक रहे हैं, बड़ी चर्चा हो रही है, लोग भी आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इस समय सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे काफी लोगों के लिए। तो अगर आपका कोई सोशल मीडिया से संबंधित कोई काम है, जहां या आपकी सोर्स ऑफ इनकम ही इस तरीके का सोशल मीडिया है, कोई इन्फ्लुएंसर वगैरह है, तो ये टाइमिंग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर इस टाइम में, इस हफ्ते से, बल्कि स्टार्ट होने से थोड़ा सा पहले अगर कुछ आप स्पेशल बना ले, कोई स्पेशल पोस्ट कर दे, कोई स्पेशल वीडियो डाल दे, तो वो उसके वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोग इस समय में आपको देखेंगे, वो ग्रह उस तरीके के बन रहे हैं, तो आप उस चीज को यूज कर सकते हैं, और काफी सारे फॉलोअर्स भी इस समय में आपको गेन हो सकते हैं। इस समय में आपके पास्ट लाइफ में जो कुछ भी हो गया आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा। आप चाहे आपको थोड़ा सा फेलियर भी देखने को मिले, तो भी आप कहेंगे कि नहीं, मुझे पता है आने वाला फ्यूचर मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो वो माइंडसेट आपका पॉजिटिव रहेगा, इसीलिए आप अच्छी चीजों को रिसीव भी इस समय में कर पाएंगे। कुछ लोग जो है स्पेसिफिक लोगों के लिए है, पानी वाली किसी जगह पे घूमने जा सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में आपके घुटनों में थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है, घुटनों में थोड़ा पेन रह सकता है, या थोड़ी सी मुझे अकड़न दिखाई दे रही है, शायद बहुत ज्यादा सिटिंग वर्क आपका हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चल फिर नहीं रहे, तो घुटने या पैर थोड़े जाम लग सकते हैं आपको। अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी समय अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी समय अच्छा है। कुछ लोग मुझे इन्वेस्टमेंट करते दिख भी रहे हैं, आप किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि या तो ज्वेलरी है, गोल्ड है, या डायमंड है, उसके अंदर इन्वेस्ट करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। फैमिली लाइफ की बात करें तो अच्छी रहेगी, आपको सपोर्ट प्राप्त होता रहेगा। आपके पार्टनर की बात करें तो वो थोड़े बिजी रह सकते हैं, तो आपको ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप उससे परेशान नहीं होंगे, आप बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। कुछ लोग कोई डेट प्लान कर सकते हैं, या आप कोई स्पेशल ओकेजन पे अपने पार्टनर को कहीं ले जाना चाहते हैं, या कुछ ऐसा स्पेशल प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो कैंसिल हो जाएगा, वो हो नहीं पाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा रेडी रहेंगे। स्टूडेंट्स की बात करें तो उनका जो मन है वो थोड़ा सा ठहराव में रहेगा, लेकिन बोरियत आपको ज्यादा फील होगी, तो इससे बेटर है कि आप कोई नया कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन कर लें इस समय में, या आप कोई ऐसी इंटरेस्टिंग तरीके से आप पढ़ाई करने की कोशिश करें, या ग्रुप स्टडी कर लें, किसी के साथ चले जाएं जहां उसके साथ स्टडी करें, तो थोड़ा सा आपका मतलब मनोरंजन के साथ साथ पढ़ाई करोगे तो हो जाएगी, वरना थोड़ा बोरियत आपको होगी तो आप पढ़ाई से इस समय दूर ही भागेंगे। अगर आप आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, किसी भी तरीके से आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, या आप पोएट हैं, किसी तरीके से कवि हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में इस समय में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपको रात के समय या लाइट जब चली गई है उस समय कुछ विशेष चीजें आपको ध्यान आएंगी, या विशेष चीजें आपको स्वतः ही आ जाएंगी, कोई शब्द, कोई थॉट, और वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आगे करियर में आपको काफी ग्रोथ देगा। कुछ लोग नई घड़ी खरीदते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं, जो काफी एक्सपेंसिव है, और लेडीज की बात करें तो वो जूड़े में लगाने वाले कुछ क्लिप वगैरह होते हैं कुछ ऐसे, लेकिन एक्सपेंसिव, अच्छे, जो बहुत ब्यूटीफुल है, ऐसा कुछ आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय में आप काफी लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बनेंगे, आपकी एक्टिविटीज से काफी लोग इंस्पायर होंगे। ऑल इन ऑल बात करें तो बहुत अच्छा समय है। अगर बेबी प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए हफ्ता इतना अच्छा नहीं रहेगा, आगे चल के आप उसको देख सकते हैं। ऑल इन ऑल समय आपका बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में सबसे पहले तो मुझे काफी सारे लोग जो है नए कपड़े सिलवाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिलवाना ज्यादा लग रहा है कि आप कपड़ा पसंद कर रहे हैं, या कोई कपड़ा आपको मिला है अब आप उसको सिलवा रहे हैं, या किसी विशेष ओकेजन के लिए कपड़े सिलवा रहे हैं, तो कपड़े मुझे बहुत विशेष कर दिखाई दे रहे हैं।
और अगर कपड़े सिलवा नहीं रहे हैं तो आपके कपड़े पहनने का ढंग जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इस समय में जो है आप अपने लुक्स पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो जब कुछ इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में होने वाला होता है हम अपने लुक्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हम चाहते हैं हम अच्छे दिखें, हम वेल ड्रेस्ड दिखें, जिससे कि हम सामने वाले को इम्प्रेस कर सके। तो ये एक समय ऐसा है कि आप जो भी ड्रेसिंग करेंगे सामने वाला आपसे इम्प्रेस जरूर होगा। तो एक तो बहुत विशेष ये मैसेज है। इसके बाद जो समझ में आ रहा है आपके फाइनेंसिस को देखें, तो इस हफ्ते में प्रॉस्पेरिटी, आपको पैसे की आवक होना, पैसा आना, किसी ऐसे स्थान से भी आना जहां से आपने उम्मीद नहीं किया था या फिर आपने पूर्व में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, अब उसका रिजल्ट आपको आ रहा है। तो इस समय में आपको काफी फाइनेंशियली कहीं तो अच्छा है। अगर आप फाइनेंशियली दबे हुए महसूस करें तो फ्री भी इस हफ्ते में हो सकते हैं। इस हफ्ते में जो है कुछ नया आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया काम लेकिन या कोई नई चीज, लेकिन ये होगा थोड़ी सी लड़ाई झगड़े के बाद। या तो कुछ लोग तो जैसे प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया, डिस्प्यूट हो गया, कोई पुराना आपका चल रहा था, मुझे तो बहन भाइयों के साथ ही ज्यादा दिख रहा है, तो उसको आप या तो किसी नए एंगल से अप्रोच करेंगे। कोई नया व्यक्ति आपको टकरा सकता है जो आपका ही मीडिएशन करा दे, आपका ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। कोई अगर कोर्ट में आपका ऐसा है तो जज चेंज हो सकते हैं या लॉयर चेंज हो सकते हैं, मतलब कुछ उसमें डिफरेंस आ रहा है। और उसकी वजह से वो जो लड़ाई का जो सिनेरियो बना हुआ है, आपका जो लड़ाई हो रही है, जो डिस्प्यूट हो रहा है, जो आप एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे, तो उसमें एक नए तरीके से तालमेल बैठता दिखाई दे रहा, तो ये काफी अच्छा आप लोगों के लिए होगा। इस समय में अगर आप अपने घर का कोई रेनोवेशन कराना चाहते, कुछ लोग जो है मुझे घर का जैसे रेनोवेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ नई टाइल्स वगैरह लगाते दिखाई दे रहे हैं, या भूमि पूजन कुछ लोग करते दिखाई दे रहे हैं, या आप किसी तरीके जैसे बेसमेंट की खुदाई होती है, मतलब कहीं है जैसे जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे, मतलब ग्राउंड लेवल पे कुछ करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग अपने खेत में पानी की व्यवस्था ज्यादा कर रहे हैं और कुछ लोगों को पानी से समस्या हो रही है उनके ग्राउंड पे, तो कुछ ऐसा कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। लेकिन ग्राउंड आपका जो फर्श है वो आपके लिए इस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। इस समय में पैसा जो है, पैसा तो आपको मिलेगा, अलग अलग जगहों से मिलेगा, लेकिन उसपे काफी लोगों की दृष्टि भी बनी रहेगी। तो आप जितना भी कमाएंगे तो हो सकता है कि आपको अपना किसी को देना है, वहां वो पैसा चला जाए, लेकिन कमाई तो इस समय में जरूर होगी। इमोशनल इस समय में आप बिल्कुल नहीं रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे। आपकी लव रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें भी आप काफी प्रैक्टिकल रहेंगे। इस समय में कुछ लोग मुझे रीयूनाइट होते दिखाई दे रहे हैं। आपका कोई पूर्व का जो पार्टनर थे जिन्होंने आपको वैसे तो दुख दिया है, लेकिन अब आप उनको क्षमा करके एक और चांस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है बीच में कोई व्यक्ति आपको मिलवाने का प्रयास करें जिसकी वजह से आप आपस एक हो जाएं, या देवी शक्तियों की वजह से संयोग वश ही आपको भाग्य से ही एक दूसरे का दोबारा साथ मिल जाए। तो कहीं ना कहीं पुराने पूर्व में किसी ने जिसने आपको हर्ट किया है वो आपके साथ दोबारा मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं पर्सनल रिलेशनशिप के लिए। इस समय में आप अपने गुस्से को काफी कंट्रोल कर पाएंगे। आपको काफी गुस्सा भी आएगा लेकिन आप उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे, कंट्रोल कर लोगे और किसी पे भी हाथ नहीं उठाओगे। कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है, जैसे आपको कोई आपके ब्रदर या सिस्टर उनको कोई परेशान कर रहा है, या उनपे कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, या उनको कोई तंग कर रहा है। कोई मतलब ऐसी लेडीज हैं जिनका मन अच्छा नहीं है, वो आपके ब्रदर या सिस्टर को परेशान कर सकती हैं। इस हफ्ते में वो खबर आपको मिल सकती है। आपके वर्क प्लेस की बात करें, जॉब की बात करें, तो इस समय में आप काफी मेहनत करेंगे। आपको जॉब के अलावा और कुछ सूझेगा भी नहीं, आप उसमें पूरा एफर्ट डालना चाहेंगे और वो आपको आगे चल के अच्छे रिजल्ट भी देगा। कुछ लोगों के लिए बोनस का भी चांस इस समय में बना हुआ है, और अगर कमीशन बेस्ड आपका काम है तो डेफिनेटली कमीशन आपकी इस हफ्ते में बढ़ सकती है। इस समय में आपको जब भी प्रॉब्लम होगी, गुस्सा आएगा, आप एकदम शांत हो जाएंगे और अंदर ही अंदर भगवान से हेल्प मांगेंगे और आपको मिल भी जाएगी। इस समय में किसी पार्टी से या किसी गैदरिंग से आपको इन्विटेशन आ सकता है लेकिन आप वहां जाएंगे नहीं। अगर आप वृश्चिक राशि के बच्चे हैं या आप टीनेजर हैं तो अपना कोई नया हेयर कट आप कर सकते हैं, या अपने हेयर के प्रति इस समय में थोड़े और ज्यादा आप केयरफुल हो सकते हैं कि कैसे आपको करना है। वैसे तो मुझे हेयर कट ही दिख रहा है कि नया कोई लुक आप उसके लिए अपना रहे हैं। धनु राशि वालों, चलिए जानते हैं इस हफ्ते आपके लिए क्या होने वाला है। इस हफ्ते में थोड़ी सी उथल पुथल तो आपकी लाइफ में जरूर होगी। चीजें गिर सकती हैं, बर्तन गिर सकते हैं,
खाना गिर सकता है, सामान गिर सकता है, कुछ टूट फूट भी सकता है, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा तो जरूर हो रहा है। आप मेस्ड अप हो सकते हो, आप पेपर्स ऑफिस में उल्टे पुल्टे कर सकते हो, किसी फाइल में लगाने किसी फाइल में लगा सकते हो, कुछ गलती से फेंक सकते हो, कुछ ना कुछ है जो कि मतलब आप प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तो एक तो ये एनर्जी काफी है, थोड़ी जल्दबाजी में थोड़ी हड़बड़ाहट में इस समय में आप रह सकते हैं, या शायद काम का बोझ आपके ऊपर बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और आगे देखें तो इस समय में आपके पीछे पीछे बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से आपको काम करना पड़ रहा है। मतलब आपके ऊपर इस समय में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, अपनी फैमिली की, अपने फ्रेंड्स की, या दूसरे किसी व्यक्ति की, बाहर वालों की भी आ सकती है, या आपके ऊपर कोई काम छोड़ करके जा भी सकता है, चाहे वो आपके कोलीग हो, चाहे कोई हो, या आपके स्टाफ चले जाए तो आपको उनका काम करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर काफी इस समय में मुझे दिखाई दे रहा है। आप चाहते तो यही है कि शांति से बैठे और शांति से बैठ करके आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने कोलीग्स के साथ अच्छे से आपको व्यवहार करें, लेकिन इस समय व्यवहार अच्छा हो नहीं पाएगा क्योंकि आप इतने स्ट्रेसफुल हैं, काम टाइम पे नहीं हो रहा है और चीजें एकदम करेक्ट नहीं जा रही है। तो थोड़ा स्ट्रेस की वजह से आप दूसरों पर चिल्ला सकते हैं, गुस्सा जल्दी आ सकता है, शॉर्ट टर्म टेम्पर्ड आप इस समय में रह सकते हैं। कुछ लोगों की तो भैया बैक में इतनी पेन हो रही है कि बताना मुश्किल है, बहुत पेन आपको बैक में फील हो रहा है। इस समय में जो है अब आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, या हो सकता है कि आपका जॉब किसी ऐसी जगह पे हो जहां बहुत लॉन्ग डिस्टेंस आपको ट्रैवल करके जाना पड़े, तो ट्रैवलिंग जो है बहुत ज्यादा और ज्यादा आपको थकाने वाली लग रही है। इस समय में जो है आप काफी सारे चैलेंज को कर भी पाएंगे, पूरा भी कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि कर नहीं पाएंगे, बस यही है कि अपने आप को इस समय में समय नहीं दे पाएंगे, वरना चैलेंजेस को आप जरूर ठीक मतलब मीट कर पाएंगे। इस समय में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा फिर सॉर्ट आउट हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम आएगा सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आपको जैसे जैसे चैलेंज आ रहा है, एक एक चैलेंज को आप पूरा कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, जैसे आपको कुछ रेनबो वगैरह दिख सकता है, तो वो आपके लिए अगर दिख जाए तो लकी होगा। इस समय में कुछ लोग जो है या तो वो स्विमिंग सीख सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी कोच हैं तो इस समय में काफी स्टूडेंट्स आपके पास आ सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए आप अपने पैर को जो है वो पानी में डाले हुए हैं, या कुछ लोग जो हैं वो अपने पैरों के दर्द को ठीक करने के लिए गर्म पानी में भी पैर डाल सकते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। नींद तो चलो कम से कम अच्छी आएगी, आप इतने थक जाएंगे कि नींद आपको बढ़िया आने वाली, कोई कितना भी आपको डिस्टर्ब कर ले आप नींद से नहीं उठने वाले। नींद तो आप अपनी भरपूर लेंगे और मेहनत भी भरपूर इस समय में करेंगे और काम को भी पूरा कर पाएंगे। तो इस हफ्ते में भैया ऊर्जा तो आप में बहुत आ जाएगी क्योंकि काम आपको बहुत सारे करने पड़ेंगे। बस ये जो हफ्ता है आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बना देगा, बेपरवाही आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर हम लेडीज की बात करें इस समय में, तो आपका पैर फिसल सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे अपना, तो एंकल आपका ट्विस्ट हो सकता है, और कोई मेजर ऐसी बाकी तो दिक्कत नहीं है, लेकिन उस चीज का ख्याल रखिएगा। इस समय में आप बाकी बाहर के लोगों की भी सरदर्दी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कोई और व्यक्ति आपके यहाँ आ जाए, आपसे हेल्प मांगने लगे, तो उनकी वजह से भी स्ट्रेस बढ़ सकता है। अगर हम बात करें आपके मनी की, तो मनी जो है वो सफिशियंट आपके पास बना रहेगा, लेकिन आपका ध्यान इस समय में उस पे नहीं होगा। आप इतने ज्यादा प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं कि आप पहले उन चैलेंजेस को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन पैसा सफिशिएंट बना रहेगा, पैसा जो आ रहा है आता रहेगा, ऐसी कोई मेजर दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों के लिए विशेष मैसेज है, अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं या करवाते हैं, तो उन लोगों को विशेषकर इस हफ्ते में जो है वो लाभ हो सकता है, और आपको कुछ नई चीजें, कोई नए ट्रिक वगैरह भी उस विषय में पता लग सकती है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये हफ्ता कुछ लेडीज के लिए अच्छा हो सकता है, आपको उसमें हेल्प मिल सकती है, या ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो आपके बच्चा जो है वो कुछ हरकत कर सकता है, मतलब कुछ ग्रोथ होती है उस विषय में दिखाई दे रही है। देखो एक बात तो है, चाहे कुछ भी है, हफ्ता थोड़ा अकेलापन वाला है, कोई आप सबकी हेल्प करोगे, आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, तो वहां थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन ना तो टाइम मिल रहा है पर्सनल लाइफ के लिए, ना आपको हेल्थ के लिए टाइम मिल रहा है, तो थोड़ा सा ऐसा मुश्किल है। भगवान करे आपको खूब ऊर्जा बनी रहे ताकि सबके काम आप पूरे करें। मकर राशि वालों चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको या तो घोड़े ज्यादा उनकी फोटो या घोड़े का पेंटिंग आपको कहीं से गिफ्ट मिल सकता है,
या दिख बहुत सकते हैं घोड़े इस समय में, चाहे उनकी फोटो दिखे चाहे कुछ भी, और या तो गिफ्ट मिल सकता है या खरीद सकते हैं ऐसी कोई पेंटिंग। अगर 7 घोड़ों की जो पेंटिंग होती है या फोटो जो होती है आप उसको घर में लगाना चाहते हैं तो ये हफ्ता उसके लिए बहुत अच्छा है, और काफी लोग मुझे ऐसा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो एक तो घोड़े जो है वो जीवन में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तेजी ला रहे हैं, तेजी हो रही है आपके जीवन में, तो ये हफ्ता बहुत ही तेजी से गुजर जाएगा, ऊर्जा भी भरपूर रहेगी, आप बहुत कुछ इस हफ्ते में कर लेंगे, जो आपको काफी समय से पेंडिंग काम लग रहे थे एक एक करके उसको निपटाते जाएंगे, तो आपकी सरदर्दी जो है वो खत्म हो जाएगी, तो ये एक अच्छा समय उस चीज के लिए है। और अपना काम निपटाने के बाद फिर आप आराम भी करेंगे, तो ऐसे दिख रहे जैसे दिन में बहुत काम करा, शाम को अपना थोड़ा समय निकाल करके आप रिलैक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग तो ड्रिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो किसी तरीके से अपने फ्रेंड्स के साथ बैठना या अपनी फैमिली में किसी के साथ बैठना या कुछ कजिन्स के साथ बैठ रहे हैं कुछ लोग, तो उनके साथ बैठ के अपना थोड़ा चिल आउट भी कर रहे हैं, तो अच्छा बैलेंस समय है आपके लिए, तो उसके लिए आप जरूर ही इसको यूज कीजिए। इस समय में जो है आप नए सपने देखने लगे, कुछ लोग अपनी फैमिली लाइफ को लेकर के सपने देख सकते हैं, अगर आपका मन नहीं था अब तक फैमिली लाइफ में जाने का, या ऑलरेडी फैमिली लाइफ में है लेकिन वहां पर रुचि नहीं आ रही है, या वो आपको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, तो आपको अपनी फैमिली लाइफ को लेकर के कोई नए सपने आप सजा सकते हैं कि हम इस तरीके से घर लेंगे, हम इस तरीके से आप घर को प्लान कर सकते हैं, मतलब कुछ सपने देखते हुए आप घर को लेकर के फैमिली लाइफ को लेकर के कुछ सपने देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर अपने बच्चों को लेकर के कोई सपने देख रहे हैं, या बच्चों को सोच रहे हैं कि हम इनकी लाइफ के लिए ये करेंगे, तो वो काफी अच्छा आपके लिए समय है। कुछ लोगों के स्पेसिफिक लोगों के घर में लाइट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा लाइट जाना, जिसकी वजह से आपको कैंडल पहले से ला के रख लो, ज्यादा कैंडल लग सकती है, तो वो लाइट की प्रॉब्लम आपकी बार बार जो है वो हो सकती है घर में। इस समय में जो है आप ना तो ज्यादा खर्च करेंगे ना ही ज्यादा बचत कर पाएंगे, तो एक मीडियम समय है, तो उसमें जैसा चल रहा है लगभग वैसा चलता रहेगा, सेविंग्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, खर्चे भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो ठीक है आप बैलेंस करके उसको चल रहे हैं, और अगर खर्चा करने के लिए लोग तो मांगेंगे आपसे, फैमिली वाले डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आप किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं, आप उसको टाल रहे हैं ऐसा मुझे दिख रहा है, तो अच्छा समय है उसके लिए, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए है, अगर आपको नर्व्स का कोई डिसऑर्डर है, आपको ब्रेन का कोई डिसऑर्डर है, या आपको रीढ़ की हड्डी में कोई ऑपरेशन वगैरह बोल रखा है, तो इस समय में ऑपरेट हो सकते हैं आप, कुछ लोगों के लिए ऑपरेशन दिखाई दे रहा है उनकी बैक में, उनके सर के पीछे या उनकी नसों का कुछ है, जो आपको ट्रीटमेंट के तौर पर आपको या तो कहा जा सकता है कि कोई इंजेक्शन वगैरह आप ले रहे हैं स्पाइन में, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपका ऑपरेशन वगैरह हो रहा है। कुछ लोग जो हैं बाहर किसी अपने स्टेट से या अपनी सिटी से बाहर किसी काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अभी उसका रिजल्ट नहीं आएगा लेकिन इस हफ्ते में आप अप्लाई कर सकते हैं, और पहले अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है वो भी दूसरे ही किसी कंट्री में या स्टेट में या सिटी में, वहां से आपको जवाब आ सकता है, लेकिन वो आपको बहुत ज्यादा अच्छा ऑफर लग नहीं रहा है, आपने जहाँ अप्लाई किया वो ज्यादा अच्छा ऑफर है, उसी के लिए थोड़ा वेट कर लीजिए। इस समय में आप काफी पॉजिटिव बने रहेंगे, टाइम आपका अच्छा ही कटेगा, पॉजिटिवनेस आपके अंदर आएगी, आपके अंदर एक नई उमंग जग सकती है जीवन को लेकर के, जैसे बिल्कुल निराश हो गए एकदम, आपको ऐसा लग रहा है जैसे मैकेनिकल लाइफ हो गया, सुबह उठो काम करो बस रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते रहो, जीवन आपका इस तरीके से कट रहा है, तो ये हफ्ता जो है ना थोड़ा स्पार्क लेके आएगा, हो सकता है किसी ऐसे इंटरेस्टिंग व्यक्ति से आप मिले जिसे मिलके बहुत प्रभावित हो, वैसे आप प्रभावित कम ही लोगों से होते हो, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति लाइफ में एंटर कर सकता है, या मुलाकात किसी से हो सकती है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और ऑनलाइन भी मुलाकात हो सकती है जिसे देख करके मन आपका खुश हो जाएगा। इस समय बच्चों की तरफ से भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, स्पेसिफिक अगेन किसी के लिए मैसेज है, अगर आपके बच्चे सिंगिंग करते हैं तो उसमें वो कोई अवार्ड प्राप्त कर सकते हैं, रिकॉग्निशन मिल सकता है, कोई काम मिल सकता है, या रेडियो वगैरह पे उनको ऑफर मिल सकता है, या टीवी पे या सोशल मीडिया पे अच्छा ऑफर मिल सकता है, अगर आपके बच्चे सिंगिंग लाइन में है, वरना वैसे ही बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकती है। कुंभ राशि वालों चलिए जानते हैं इस हफ्ते आपको क्या मिलने वाला है। इस हफ्ते में तो मुझे दिख रहा है जैसे आपको आपके ससुराल पक्ष से कुछ लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अगर आप न्यूली वेड है या भी शादी तय हुई है तो ससुराल पक्ष से कुछ तो आपको अच्छा उपहार मिल सकता है। साथ ही मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, तो आप शेयर्स में काफी इंटरेस्टेड हो सकते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं,
और अगर आप इन्वेस्टर ही हैं, फाइनेंसर ही हैं, तो किसी अच्छी चलती हुई कंपनी का ऑफर आपको मिल सकता है और उसमें आप कुछ हेफ्टी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है। कुंभ राशि वालों, ये जो हफ्ता है ना, आपके लिए जरा इमोशनल होने वाला है। आप चाहोगे नहीं इमोशनल होना, आप तो चाहते हो ग्राउंडेड रहना, आप चाहते हो कि हम चिल रहे, लेकिन ये जो हफ्ता है आपको इमोशनल कर ही जाएगा। इस समय में कोई व्यक्ति है जो आपसे दूर हो रहा है या आप किसी से दूर हो रहे हो, जिसकी वजह से एक्चुअली आप इमोशनल हो रहे हो। आपने बहुत सारी चीजें साथ में सोची थी, आपने बहुत सारे सपने साथ में सजाए थे, लेकिन कहना नहीं चाहिए, या तो उनकी शादी हो रही है या आपकी शादी हो रही है, तो आप एक दूसरे से दूर होते हुए दिखाई दे रहे। तो पर्सनल लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अगर ऑलरेडी आप शादीशुदा हैं, फैमिली लाइफ आपकी है, तो हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो आपको धमकी दे और बच्चे को ले जाने की कोशिश करे या उनके साथ सेपरेट होने की कोशिश करे, आपसे नाराज हो जाए, आप उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा नाराज है, आपके साथ रहना नहीं चाहते, ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है जो अगेन आपको इमोशनल करे। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम अगर काट लेते हो, ये हफ्ता किसी तरीके से निकाल लेते हो, तो सिचुएशन में काफी चेंज आ जाएगा। तो अभी थोड़ा झुक करके और थोड़ा सा टाइम लेकर के कोशिश करिए, पार्टनर से कहिए थोड़ा टाइम मिल जाए, तो थोड़ा सा चेंजेस आपको अपने आप ही उसमें हो जाएगा। इस समय में आपकी परीक्षा अच्छी खासी ली जाएगी। आप कितने ज्यादा भगवान को मानते हैं, कितने आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है, कितना आपने जीवन को समझा है, कितना अध्यात्म है, दिखाते तो बहुत हो कि बड़ा शांत हो, अब शांति कितनी है अंदर से सब पता चलेगा। तो वो आपको टेस्ट इस समय में किया जाएगा। इस समय में जो है, अगर आपके घर में कोई पौधे वगैरह लगे हैं तो उसमें फूल वगैरह ज्यादा आ सकते हैं, खेत वगैरह हैं आपके तो वहां कीड़े ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन धन की प्राप्ति आपको वहां से होगी। इस समय में है जो है, आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि करें क्या, बहुत जैसे बंद गए हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है, तो एकदम ब्लैंक सा होना, बिल्कुल जीवन में जैसे अंधेरा छा गया है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अचानक से चीजें कैसे इतनी परिवर्तित हो गई हैं, ऐसा आपको फील हो सकता है। इस समय में अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, कहीं जहां भी आप पॉसिबली ट्रैवल कर सके आप ट्रैवल कीजिए, आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन उसमें से मिल सकता है। कुछ लोगों के पैर में चोट लग सकती है, पैर कहीं पे टकरा सकता है किसी पत्थर से या कुछ पैर में काट सकता है, तो उसके लिए जरा केयरफुल रहेंगे। इस समय में थोड़े सपने आप ज्यादा देखेंगे लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो हो नहीं पाएंगे। मेन सजेशन तो यही है, थोड़ा ध्यान वगैरह करते रहो ताकि आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस रहे, आपको बहुत ज्यादा दुख तकलीफ ना महसूस हो। जॉब की बात करें तो जॉब में आप बहुत मोटिवेटेड रहेंगे, हो सकता है आपने अभी अभी जॉब चेंज किया है, नया जॉब है, या आपको के आसपास के जो लोग हैं या आपकी टीम जो है वो बहुत यंग है, जिसकी वजह से आपको ना बहुत ऊर्जा महसूस हो रही है, बहुत ही आपको ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नई सी ऊर्जा आपके अंदर आ गई, कुछ नया आप कर देंगे। तो यंगस्टर्स के साथ इस समय में कनेक्ट आप हो सकते हैं। खर्चे की डिमांड इस समय आपके साथ बढ़ जाएगी, खर्चा आपसे ज्यादा मांगा जाएगा। वाहन जो है वो आपका किसी वजह से कहीं रखा हुआ दिखाई दे रहा है, चल नहीं रहा है, या तो उसमें कोई फॉल्ट आ गई है या पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, या आप उसको चला नहीं पा रहे हैं, मतलब कुछ है, आपका वाहन इस हफ्ते में रखा हुआ दिखाई दे रहा है, मूव नहीं कर रहा है। धन की बात करें तो धन में जरूर आपको बढ़ोतरी होगी, धन की प्राप्ति आपको होगी, और आपको क्योंकि ध्यान तो उस तरफ नहीं होगा लेकिन फिर भी आपको अचंभा होगा कि कैसे आपको पैसे की प्राप्ति हो रही है। अगर बिजनेस है आपका तो उसके अंदर कुछ नई चीजें आप डाल सकते हैं, कुछ नया लेकर के आ सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या कोई नया एग्रीमेंट वगैरह साइन कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और वो अच्छा एक स्मार्ट मूव होगा। इस समय में अगर आपके ऐसा कंफ्यूजन है, काफी लोगों को दिख भी रहा है कि क्या बिजनेस करें, तो इस समय में आपको वो चीज समझ में आ सकती है कि ये हमारे लिए बेस्ट है और ये इस टाइमिंग में अच्छा चल रहा है। मतलब ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि आप ऐसे कह रहे हैं कि ये वाला काम अभी बहुत चल रहा है, ये कर लेते हैं, तो वो चीज आपको समझ में आ रही है, तो वो कंफ्यूजन काफी लोगों का दूर हो जाएगा। फैमिली गैदरिंग आपके यहाँ कोई हो सकती है, जिसकी वजह से आपको उनका टेक केयर करने के लिए थोड़ा सा बिजी होना पड़ सकता है। मीन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में ना बड़ी हलचल दिखाई दे रही है, शांति नहीं है आपके इस हफ्ते में। आप अंदर से बहुत स्पिरिचुअल है, धार्मिक कार्य करना चाहते हैं, आप कुछ चाहते हैं कि भगवान से जुड़े, लेकिन बाहर की चीजें जो आपकी लाइफ में हो रही हैं, इस समय आपको पूजा पाठ में बिल्कुल भी लगने नहीं देगी।
आपको धर्म कर्म में लगने नहीं देंगी, फुर्सत आपको मिलेगी नहीं, लोग आपको किसी ना किसी कामना वासना में अटकाए रखेंगे और या आपका मनी आपको अटकाए रखेगा, तो ऐसा कुछ दिख रहा है। इस समय में कुछ लोग जो है कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका फोटोग्राफी का काम है या आप सोच रहे हैं कुछ कैमरे से कनेक्टेड, फोटोग्राफी से कनेक्टेड या आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड, जहां भी कैमरा यूज होता है या कैमरे की सेल परचेज या इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की सेल परचेज, तो उसका नया काम आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपके लिए हितकर रहेगा। इस समय में जो है मैंने कहा ना, बहुत सारा काम, बहुत चीजें होती है आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है, मतलब इतना ज्यादा हेक्टिक हो रहा है। अंदर से आप बहुत खुश भी हैं, चीजें आपके लिए बहुत अच्छी भी हो रही हैं, लेकिन हेक्टिक बहुत है, शांति नहीं है एक पल की भी, बैठने को नहीं मिल रहा है। थोड़ी सी एक चीज होती है फिर अचानक से कोई और आ जाता है, तो फिर उसके साथ लगना पड़ता है। तो इस तरह की एनर्जीज जो है वो आपके साथ बनी हुई है। इस समय में जो है आपको काफी सारी चीजों से एक साथ डील करना पड़ेगा। तो बच्चों को भी आप देख रहे हैं, तो बाहर भी आप देख रहे हैं, तो घर भी आप देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों को एक साथ देखना प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हम बात करें आपके जॉब लाइफ की, और आप उसमें अगर बहुत समय से प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो इस हफ्ते में आपके साथ न्याय जरूर होगा। कुछ ना कुछ ऐसा अगर कोई व्यक्ति है जो आपका काम का क्रेडिट ले लेता है, आपका करते तो आप हैं लेकिन बॉस के सामने अच्छा वो बन जाता है, या वो क्रेडिट आपका ले जाता है, या आपको आगे चढ़ने ही नहीं देता, आपके बॉस भी हैं तो सीनियर्स के आगे आपको बढ़ने नहीं देते, तो इस समय में आपके साथ जस्टिस जरूर होगा। कोई ऐसी घटना होगी जिसकी वजह से आपका काम आप ही प्रेजेंट कर पाएंगे और उस वो नोटिस में आपके सीनियर्स के आएगा, और डेफिनेटली आपको उसके लिए शाबाशी या उसके लिए अप्रिसिएशन कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। इस समय में धन की बात करें तो धन आप बहुत कमा सकते हैं। अगर किसी भी तरीके से आपका खुद का काम है, बिजनेस है, तो इस समय में बहुत अच्छा धन के योग आपके लिए खुलेंगे, बनेंगे, आप उसको आगे चल के यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी क्लियरिटी कम रहेगी आपको, लेकिन धन आपको आता रहेगा। इस समय में आपके शरीर में ना थोड़ी फड़फड़ाहट ज्यादा हो सकती है, थोड़ा अगर नसों की ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो नसों में थोड़ा सा ऐसे फड़फड़ाना हो सकता है। अगर आपको किसी तरीके से पार्किंसन वगैरह की प्रॉब्लम है या स्टार्ट हो रही है, आपके घर में कोई मीन राशि का बुजुर्ग है, तो उनके हाथ पैर कपकपाना बढ़ सकते हैं या शुरू हो सकते हैं, ऐसा कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। साथ ही थोड़ा सा चेस्ट एरिया में पेन भी रह सकता है। इस समय में शांति नहीं है, मानसिक सुकून नहीं है, और साथ में थोड़ा सा चेस्ट एरिया में भारीपन लगना, थोड़ा सा पेन वगैरह होना, ऐसा हो सकता है। इस समय में फैमिली से तो आपको काफी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपके फैमिली वाले आपसे भी बहुत सपोर्ट चाहेंगे, तो दोनों की तरफ से ये एफर्ट दिख रहा है, लेकिन आपके ऊपर जैसे बोझ ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय में आपको बहुत सारे काम क्योंकि करने पड़ेंगे, तो मुझे लगता है थोड़ा सा कोशिश करिए अपने लिए समय निकालने के लिए और अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। कम से कम 5 मिनट भी सोने से पहले अगर शांत हो जाएंगे, थोड़ा ध्यान कर लेंगे, कोई नाम जप कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इस समय में अगर आप किसी शादी पार्टी में जा रहे हैं, तो वहां आपको कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है कि आपकी एज जैसे बड़ी कम हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे फिर से जवान हो गए हो, यूथ फील हो गए हो, ऐसा कुछ आपको सुनने को मिल सकता है। स्टूडेंट्स की बात करें तो उनका मन जो है पढ़ाई में ना लग के सपने देखने में लगेगा। आप सपने में पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई करने में आपको मुश्किल होगी। इस समय में टाइम जो है वो आपके हाथ से निकल सकता है, रेस अगेंस्ट टाइम हो सकता है। हर समय आपको टाइम का ख्याल रखना, सुबह इतने बज गए, अभी उठना है, अभी भागना है, ऐसी फीलिंग्स आपके साथ आ सकती है। तो बिजी सप्ताह जरूर है, लेकिन मुझे लगता है बहुत अच्छा, आप काफी सारे काम इसमें कर लेंगे, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल ले तो ज्यादा अच्छा है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो उसके लिए ज्यादा टाइम आपके पास है ही नहीं, और इसीलिए ऐसा कुछ विशेष वहां दिख नहीं रहा है। तो ओवरऑल देखिए तो बिजी सप्ताह है, लेकिन अच्छा है। ये हफ्ता आपके लिए बहुत सुखद जाए, दिल से आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। प्रभु आप पे कृपा बरसाते रहे, आपके कष्टों का हरण करें। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।